हेलो गाइस, वेलकम बैक शिखा डॉट एस सी एस। नाउ टुडेज टॉपिक इज सेट्स एंड रिलेशंस। व्हाट इज सेट? सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। ओके, फॉर एग्जांपल ए बी सी, इनसे हम इन्हें डिनोट करेंगे इसे सेट को। एग्जांपल इसका लेते हैं, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन अ कॉलेज इज कॉल्ड अ सेट। सेट ऑफ The collection of all books in a college library is called a set. Okay, now members or elements क्या होते हैं? So individual object is called a member or a element. Members or element denoted by small letters. For example, small a, small b, small c. ये जो है denote करते हैं members या फिर elements को, जो सेट के मेंबर या एलिमेंट होते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारे मेंबर्स होते हैं वो स्मॉल लेटर ए बी से रिप्रेजेंट किए जाते हैं एंड कैपिटल लेटर डिनोटेड बाय सेट। ओके, नाउ ए बिलोंग टू ए, स्मॉल ए बिलोंग टू कैपिटल ए, दैट मीन्स ए इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट ए। If A is not a belong to A, capital A, that means small a is not an element of capital A. Okay? यदि element है तो उसे हम represent करेंगे इससे, और element नहीं है तो इसे हम क्या कर देंगे, cut कर देंगे। Ways of describing a set. Set को हम किस तरीके से describe करेंगे, तो उसके कई सारे तरीके हैं। पहला यह है, लिस्टिंग फॉर्म में इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास इस तरीके की एक लिस्ट हमें करनी है, कलेक्ट करनी है, जिसका डेटा पॉजिटिव इंटीजर हो और क्या हो, वो डिवाइड हो 5 से, मतलब कि अगर हम उसे 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो रिमाइंडर आए वो 0 आए। ओके, तो ये जो कलेक्शन हो गया हमारा, क्या हो गया, बाई लिस्ट के थ्रू हमने इसे डिनोट किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर, यानी विद इन कर्ली ब्रेसेस, सारे एलिमेंट यहाँ पर दिए हुए हैं। दूसरा है बाय डिस्क्राइबिंग दी प्रॉपर्टीज, दैट मीन्स कि हम इसे एक सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल एन, ठीक है, एन क्या है, एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर, एन जो है पॉजिटिव इंटीजर है, डिविजिबल बाई 5 एंड लेस देन, लेस देन कितना है, लेस देन और इक्विवेलेंट 50, या फिर लेस देन 51 लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। ओके, नाउ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड अ प्रिडिकेट। प्रिडिकेट हमने क्या किया था लास्ट लेक्चर में, हमने देखा हुआ है जब हम प्रोपोजिशन लॉजिक पढ़ रहे थे, उसमें हमने देखा हुआ है कि प्रिडिकेट्स क्या होते हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। तो टाइप्स ऑफ सेट है, फर्स्ट वन इज अ फाइनाइट, वेयर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, सेकेंड वन इज इनफाइनाइट सेट, दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इज इनफाइनाइट। थर्ड वन इज इक्विवेलेंट फाइनाइट, दैट मीन्स कि कार्डिनल नंबर जो है वो सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल, कार्डिनल नंबर क्या होते हैं, जो हमारे पास एलिमेंट होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट विद इन अ ब्रैकेट, मतलब कि इसको ए, अगर हम सेट ए लें तो इसके कितने एलिमेंट हैं, 1, 2, 3, तो इसकी कार्डिनलिटी जो हो गई कितनी हो गई हमारे पास, 3। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये ए हो गया, और इस वाले को अगर हम बी को लेते हैं तो यहाँ भी कितने हैं हमारे पास, 3 है, ठीक है। तो दोनों की कार्डिनलिटी हमारे पास कितनी हो गई, 3, 3, दैट मीन्स कि ये दोनों क्या हो गए, इक्विवेलेंट हो गए। नाउ नेक्स्ट वन इज अ इक्वल, इक्वल मीन्स सेम एलिमेंट, दैट मीन्स कि यहाँ पर अगर आप देखिए तो ये दोनों में सेम एलिमेंट भी है, 1, 2, 3 और 2, 3, 1, दैट मीन्स ऑर्डर तो मैंने नहीं रखता है, इसलिए ये दोनों क्या हो गए, इक्वल, इक्वल भी हो गए। इफ़ एग्जाम्पल हम या इस तरीके से लेते हैं, अगर हमारे पास ए में हम यहाँ पर चेंज करके लिख देते हैं, ए में हम कर दे रहे हैं, अगर हमारे पास यहाँ पे 3, 4 एंड 5,
ठीक है, इस तरीके से अगर हम कुछ लेते हैं तो यहाँ पर आप देखिए कि बी में 2, 3, 1 है जबकि यहाँ पे 2, 3, 5 है, तो ये दोनों अलग अलग हो गए। 3 एक कॉमन है बट पूरे एलिमेंट इक्वल नहीं है, तो इसमें ये होगा कि ये दोनों जो ए और बी हैं वो इक्वल नहीं होंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि जब उसके एलिमेंट सेम होंगे तो ही वो इक्वल होगा, अदरवाइज नॉट इक्वल। नाउ नेक्स्ट इज एम्प्टी और नल, या फिर इसे क्या कहते हैं, वॉइड सेट भी कहते हैं। तो आपने देखा कि टाइप्स ऑफ सेट में जो फिफ्थ वाला है इसके 3 नाम हो गए, एम्प्टी, नल और वॉइड। इसे रिप्रेजेंट हम इस तरीके से करते हैं, फाई, और अगर हम कर्ली ब्रेसेस को ब्लैंक रखें तो उसे हम एम्प्टी, वाइड या नल कहते हैं। तो यहाँ पर 5 टाइप के हमने सेट्स देखे। हमने भी देखा था कार्डिनलिटी जो है, नंबर ऑफ सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट जो होते थे उसे हम कार्डिनलिटी कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे मोड ऑफ ए, दैट मीन्स कि मोड में कोई एलिमेंट हो वो रिप्रेजेंट करेंगे उसकी लेंथ को, या फिर एन, और इस तरीके से हम स्मॉल ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। तो ये दोनों ही हमारे रिप्रेजेंट करते हैं कार्डिनलिटी को। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट स्टेप, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं, अभी हमने वहाँ पर देखा था लास्ट टाइम, जो इक्वल लेंथ हो, जिनकी कार्डिनलिटी इक्वल हो। इक्वल सेट क्या थे, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। तो यहाँ पर 3, 1, 4 है, यहाँ भी 1, 4, 3 है, तो ये इक्वल सेट हो गए। व्हाट इज सबसेट, सबसेट इज अ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। दैट मीन्स कि अगर हमारे पास ए के कोई भी एलिमेंट जो है वो बी के सारे एलिमेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, सबसेट कहेंगे, और इसे हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से। ओके, इस सिंबल से हम इसे डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, एन एलिमेंट देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे हमारे पास, 2n होगा। इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास कुछ एलिमेंट दिए हुए हैं, मान लीजिए ए हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, आगे यहाँ पे एग्जांपल होगा, ए इक्वल टू अगर हमारे पास दिया हुआ है 1, 2, दो दिए हुए हैं, तो इसमें कितने होने चाहिए हमारे पास, 2n, तो एलिमेंट कितने हमारे पास, 2, टोटल कितने हो गए हमारे पास, 4। दैट मीन्स 4 होने के बाद हम क्या क्या करेंगे कि हमारे सबसेट हों, तो एक तो हमारा आप जानते हैं कि नल होता है, ठीक है, सेकेंड जो होता है दैट मीन्स 5 यहाँ पे हो गया, नल हो गया, ठीक है, दूसरा हो गया हमारे पास 1, एंड थर्ड वन इज 2, फोर्थ वन इज कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एंड 2। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारे पूरा ये पावर सबसेट बन गया। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, कि प्रॉपर सबसेट में होना ये चाहिए कि जो हमारे एलिमेंट हैं बी में उसमें कम से कम एक ज़्यादा होना चाहिए, तो वो हमारा प्रॉपर सबसेट होता है, और उसे रिप्रेजेंट हम इस सिंबल से करते हैं। ओके, पावर सेट होता है, पावर सेट को हम पी ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो भी 2n होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ए सेट ले रहे हैं, उसमें हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, तो उस पर पावर सेट कितना हो जाएगा, 2n, दैट मीन्स की वैल्यू जितनी एन की है, और ये यहाँ पे एन जो है हमारे पास वो कितना है, एन यहाँ पर 4 है, तो जो पावर सेट की वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, 16। और आप ये देख सकते हैं ये पूरे 16 यहाँ पर है, तो आप इसको अच्छे से पॉज करके एक बार देख सकते हैं कि किस तरीके से निकले हुए, एक तो 5 है, फिर उसके बाद सारे ये अलग अलग हो गए चारों, देन उसके बाद 2, 2 के कॉम्बिनेशन में आ गए, ठीक है, देन उसके बाद 3, 3 के कॉम्बिनेशन में आ गए, और एक लास्ट में 4 का कॉम्बिनेशन आ गया। अब बात करते हैं सुपर सेट का। तो सुपर सेट क्या होता है, इफ़ ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, ठीक है, ए जो है सबसेट है किसका, बी का है, देन बी इज़ द सुपर सेट ऑफ ए, तब क्या हो जाएगा, बी जो है सुपर सेट हो जाएगा ए का, ठीक है, इसे डिनोट करते हैं इस सिंबल से। तो यहाँ पर आप देखिए, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन बी इज अ सुपरसेट ऑफ ए। तो इसके लिए ये कंडीशन है कि ए बी तभी सुपरसेट होगा जब ए उसका सबसेट होगा। नाउ एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है कि एवरी सेट जो है खुद का भी सबसेट होता है, और जो नल सेट है वो सभी का सबसेट होता है। ओके, नेक्स्ट में पढ़ेंगे यूनिवर्सल सेट।